सतपाल ब्रह्मचारी आज नामांकन भर रहे हैं और दिल्ली के आसपास के जितना दिल्ली रोड है, सोनीपत के आसपास का सारा एरिया वो जाम हो चुका है। पीछे रथ में आ रहे हैं अनुज लठवाड़ हमारे साथ हैं। अनुज, कितना भारी जाम है और कितना जोश है? जाम के साथ साथ जोश है। ये आज नामांकन है, विजय का नामांकन है कांग्रेस पार्टी का। जो आज नामांकन सतपाल महाराज हमारे ब्रह्मचारी जी जो आज करने जा रहे हैं, ये विजय का नामांकन है। एक तरफा पूरे सोनीपत लोकसभा में विजय, आप पूरा देख सकते हो जाम। हम गोहाना से लेके यहाँ तक हमें 3 घंटे लगे हैं आने के लिए। तो आज एक बात स्पष्ट हो चुकी है, एक कांग्रेस की आंधी आने वाली है और सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज जी हमारे सोनीपत लोकसभा से सांसद बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरें, सतपाल ब्रह्मचारी का काफिला जो है वो पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो 5 विधायक हैं वो इनके साथ है, यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं 5 विधायक जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। विधायक जगबीर मलिक हैं और तमाम साथी जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे, और बहुत बड़े काफिले के साथ एक स्वागत जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये काफिले, एक बार आप काफिला देखें किस तरह से जो है वो काफिला चल रहा है। अनुज, बहुत जोश है और जाम हर तरफ लग चुका है। बिल्कुल जी अरुण भाई साहब, जाम हर तरह लग चुका है, जोश जोश है और आने वाला समय आपको दिखा रहे हैं भाई। सोनीपत से गोहाना तक वो जाम लग चुका है। भाई आप जोश देख सकते हैं कितना है और बड़ा लंबा चौड़ा काफिला है। मतलब एक सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिल जाने से किस तरह से फिजा बदली है सोनीपत लोकसभा की, वो आप देख सकते हैं। और समर्थकों का तांता लगातार लगा हुआ है और 5 विधायक हैं, 5 विधायकों के समर्थक हैं। और ये जो हम दिखा रहे हैं ये सोनीपत गोहाना रोड की तस्वीरें हैं, लेकिन सोनीपत के आसपास के चारों रास्ते वो इस समय जाम हो चुके हैं और लोगों में काफ़ी जोश है, काफ़ी उत्साह है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। ब्रह्मचारी की टिकट को कितना सक्सेस मानते हो? 100% 100% सक्सेस, 2 लाख वोटों से जीतेगा ये, कोई दिक्कत नहीं किसी। 2 लाख वोटों से? हाँ, 2 लाख वोटों से। मोहनलाल बड़ोली का नहीं बनो मना, मोहनलाल बड़ोलिया को इस कांग्रेस की लहर है देश में यार, बेरोजगार का मुद्दा है देश में, महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा है और तो कोई है नहीं। नौजवान बालक बेरोजगार रह रहे हैं, उसका मुद्दा बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और पूरा जोश लोगों के अंदर है। कितना जोश है? खूब ज्यादा जी। अच्छा, चलो चलते रहो चलते रहो। ये जीत गए, काफिला बहुत बड़ा है और पूरे काफिले में पूरा जोश है, लोग लबालब भर के जो है वो गाड़ियां चल रही हैं। क्या नाम है जी? सुरेश। कहाँ से पहुंचे? सरफाबाद से। सरफाबाद से यहाँ तक पहुंच गए। कितना जोश है? जो से 2 लाख वोटों से जीतेगा भाई। अच्छा, हाँ चलो जी। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, सतपाल ब्रह्मचारी का काफिला वो चल रहा है और ये देखो मोगरा सरपंच जाली है हमारा, पूरा जोश है। बिल्कुल जोश है अरुण भाई, आपका जो चैनल है बिल्कुल सच्चाई दिखाता है। जाम लग रहा है, जाम लग रहा है। संदीप शर्मा भाई, अरुण भाई एक के बात है, काफिला तो देख ले, जीते एक तरफी है, आ गया ब्रह्मचारी, छा गया ब्रह्मचारी और अब की बारी सतपाल ब्रह्मचारी। क्या बात है भाई, गोहाने वाला ने दिखा दिया और पूरे सोनीपत लोकसभा में इतना प्यार मिल रहा है, बिल्कुल जीत एक तरफी है, 10 बजे जीत के ढोल बजवा देंगे। क्या बात है भाई, जोश जो है वो लगातार है तमाम लोगों में। कितना जोश है जी? एक जी, बिल्कुल हजारों गाड़ियां जींद से चल रही है जी, जींद छपी दो और दुलारा ब्लॉक की हजारों गाड़ियां।
जींदाला ने ठा दिया काम आज या तो मौजब उन पता ले आटा ठहरे जींदा ने तो ठहरे महाराज वेक्टर पाजी सतपाल महाराज जी एक वोटो से जीतेगा जी। हां मैं सजाद पर का हूं, मेरा पूरा गांव, हां जी पूरा गांव इसकी वोट दे रहा है कांग्रेस की। क्या बात, भूपेंद्र हुड्डा कितना जोश है जी? पूरा जोश है जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी 4 लाख वोटों से जीतेंगे, हम पानीपत से आए हैं। अच्छा पानीपत ताड़ा के समर्थन दे, क्या बात है। चलो जी चलो चलते रहो। ये देखो तमाम जो है वो गाड़ियां लोग आ रहे हैं। हाँ सतपाल में जोश है, बड़ा तकड़ा, बड़ा जबरदस्त। हाँ जी हाँ जी, हम स्पीडो से। अच्छा, अब मनसा मिले हमने, हमने मनसा मिले टिकट, कदे हम सुंगे भी नहीं। अच्छा। सोनीपत के बना है, अरे हमारी जात भी नहीं पूछते। अच्छा मेरी पूछ ली। हाँ ये पूछिए, देखो परमात्मा क्या बात है। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, सुविधाओं वाले कह रहे हैं कि मसा टिकट मिल ली है हमने, तो हम तय करेंगे कार्रवाई पूरी कर देंगे। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं सोनीपत लोकसभा से। आज सतपाल ब्रह्मचारी वो नामांकन आज यहाँ पे भर रहे हैं। कहाँ से पहुँचे आप लोग? हम जी जुलाना, जुलाना से, जुलाना से। हाँ जी, के माहौल फिर जुलाना में? बहुत बढ़िया, एक तरफ है जी, करोगे काम? हाँ हो गया। देखियो थारे कई गांव है, वह दोनों को है बीजेपी के खास है। ना ना ना, नोल न्यू तो नोल सब की बार सबसे बड़ी जीत हमारे जुलाना हल्के से होगी। अच्छा हाँ, जुलाना हल्के नो अक्कल कैम। अच्छा। सबसे बड़ी चीज जुलाना हल्के से होगी, चौधरी इसकी सतपाल ब्रह्मचारी जी की। क्या बात, और भूपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से। क्या भाई, जाम बहुत लगा हुआ है इसलिए ज्यादा समय किसी को नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं काफिला कितना बड़ा है और कितना जोश है लोगों में। और हरियाणा वासी इतने दुखी हो गए बीजेपी से जी, बहुत परेशान हो गए, चाह रहे हैं कि आज ही हो जाए इलेक्शन, इसको कति खत्म कर देंगे, हरियाणा से बिल्कुल मिटा देंगे इसको। अच्छा। हाँ किसी का भी सुनाई नहीं करा, सबको धक्के मारे इन्होंने, कोई मतलब पब्लिक से कोई मतलब नहीं। एक राम मंदिर एक यही मुद्दा बना रहे हैं, पब्लिक ने खाने कमाने का कोई रास्ता नहीं दिया इन्होंने, पब्लिक को बर्बाद कर दिया। मेरा गांव 2500 वोट वोट हैं, 2500 की 2500 वोट ब्रह्मचारी जी को जा रही है, पूरा मोहल्ला पूरा एरिया में 10 किलोमीटर में एरिया में पैदल पेट्रोलिंग करता हूं, सारा एरिया पूरा कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। इतना वो क्या था, पब्लिक का कुछ काम किया ही नहीं इन्होंने, महंगाई इतनी बढ़ा दी, खाना दुब्बर हो गया, 8000 की नौकरियों में बच्चे क्या करेंगे, बहुत बुरा हाल हो रहा है, पब्लिक इतनी परेशान हो रही है। 10 गांवों के मैं पेट्रोलिंग डेली करता हूं मैं पैदल, सारे गांवों का सभी का रुझान ये है कि कांग्रेस को बनाएंगे अब की बार। उनका मोहनलाल बडोली ठीक है, धक्के मारे थे मेरे पास नौकरी के बारे में बताओ, और क्या ब्याह कराओगा के, और क्या कराओगा, सारा दिन हरियाणा बेरोजगार बना दिया, रंडुआ बना दिया, ब्याह शादी नहीं हो रही, नौकरी छोड़ गए इस काम के लिए, बताओ और कामों के लिए आओ, क्या करें हम, कहाँ जाए फिर हम, 8000 रुपये की नौकरी बच्चे कर रहे, इतनी महंगाई में कैसे गुजारा होगा। बिल्कुल भाई, जाम में